के दिन यह नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो बता दें, सोमवार के दिन है और पंचमी तिथि है, मघा नक्षत्र है और आयुष्मान योग है। तो इनमें सभी चीज़ें जो है अनुकूल इस बार मिल रही हैं। पंचमी तिथि पूर्णा तिथि है, तो इस बार हम अगर कोई भी पूजा पाठ करते हैं नए वर्ष में तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरी बात, सोमवार के दिन प्रारंभ होने की वजह से इसमें विशेष करके भगवान शिव की पूजा उपासना जो है लाभप्रद होगा। तीसरी बात यह है कि मघा नक्षत्र जो केतु का नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र होते हुए ये मोक्ष की ओर अग्रसरित करता है, तो यह वर्ष जो है सोमवार का वर्ष है, मोक्ष के लिए भी अच्छा है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष की पूर्ति भी करता है। और आयुष्मान योग में होने के कारण लोगों के आयुष्य की वर्षा होगी, आयुष्य बढ़ेगा लोगों का, लोगों के जो है नाना प्रकार के धन दौलत की प्राप्ति होने की संभावना है। तो इस बार विशेष करके लोगों को चाहिए कि प्रातःकाल अपने घर के दरवाजे को साफ सुथरा रखें और सफाई पसंद रहे, क्योंकि भगवान शिव सफाई पसंद है, आयुष्मान योग है। प्रातःकाल उठ करके भगवान भास्कर को जो है अर्घ दें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें, तांबे के पात्र से उनको अर्घ दें, जल लाल रूरी डाल लें, उसमें अच्छत डाल लें, लाल फूल लेकर के भगवान सूर्य नारायण को जो है अर्घ दें, ताकि हम लोग यह वर्ष जो है निरोगी रहे। भगवान सूर्य को अर्घ इसलिए दिया जाता है कि हम लोग निरोगी रहे, हम लोग ऊपर कोई रोग, कोई बाधा, कोई कष्ट या कोई समस्या न उत्पन्न हो, इसलिए हमको जो है पहले प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। दूसरी बात, अगर पति पत्नी के बीच में मन मुटाव हो रहा हो और परिवार में अगर सामंजस्य बनाना चाहे, तो सोमवार का दिन होने की वजह से और आयुष्मान योग होने की वजह से व्यक्ति को जो है गौरी केदारेश्वर का दर्शन करें, और इसमें शिव और पार्वती का, गौरी केदारेश्वर का दर्शन करें, उनका सानिध्य ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें,